पाकिस्तानी सोसाइटी में मीडिया के मुख्तलिफ रोल हैं जो उसने प्ले किए हैं, और कुछ बहुत इफ़ेक्टिवली प्ले किए, कुछ में अभी वो इमेच्योर स्टेज के ऊपर हैं या इन्फेंट स्टेज के ऊपर है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बहुत इफ़ेक्टिव रोल जो मीडिया ने पाकिस्तानी सोसाइटी में और पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक सोसाइटी को फ्लरिश करने में जो रोल प्ले किया, वो एक वॉच डॉग का रोल है, एक मॉनिटर का रोल है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे मुल्क में जो कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में होती हैं, वो पॉलिटिकल सोसाइटी हो, वो इकोनॉमिक सोसाइटी हो, वो सोशल सोसाइटी हो, वो कल्चरल सोसाइटी हो, वो सब सोसाइटीज़ या उनके एक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और उनके असरात सोसाइटी के ऊपर एज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। सो उन सबको मॉनिटर करना, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। और पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन मीडिया की डेवलपमेंट के साथ उसकी लिबरलाइजेशन की वजह से ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती गई, और उसने बहुत सी ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू किया जिसको पहले निगलेक्ट किया जाता था। उसमें बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस भी हैं, गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स भी हैं, करप्शन इश्यूज भी हैं, सोशल इश्यूज भी हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स भी हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इश्यूज भी हैं। ऑल दो उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती इन मीडिया चैनल्स, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हाईलाइट ज़रूर होते हैं। सो ये सब उस वक़्त मुमकिन हुआ जब मीडिया ने अपना रोल एज अ वॉच डॉग प्ले करना शुरू किया और उसको इफ़ेक्टिवली प्ले किया। सो इसी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें मुमकिन हुई जो कि पहले मुमकिन नहीं थी। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हमें नज़र आती है, जो कि डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इलेक्शन मॉनिटरिंग है। 2013 और 2008 के इलेक्शंस जब पाकिस्तान में हुए तो मीडिया ने बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया इन द कैंपेनिंग एज वेल एज इन द अक्रेंस ऑफ द इलेक्शन इन पाकिस्तान, और उसको बहुत बेहतर तौर पर मॉनिटर किया। और जो रिगिंग का एलिमेंट था उसको भी हाईलाइट किया, किस तरह से रिगिंग होती है, किस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनोवर किया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है, इन सब एस्पेक्ट्स को बहुत इफ़ेक्टिवली मीडिया ने पाकिस्तानी सोसाइटी में हाईलाइट किया, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी आई रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर हैपनिंग, और उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा लिटरेट भी किया और उनमें एक अवेयरनेस भी क्रिएट हुई। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक एज अ वॉच डॉग मीडिया ने जो है वो प्ले किया है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो एक और कॉन्टेक्स्ट में है वो रूल ऑफ लॉ का कॉन्टेक्स्ट है। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर आप स्टेबल और पीसफुल सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ इन दैट सोसाइटी, जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है और बहुत ज़्यादा मसाइल हमें उसकी वजह से नज़र आते हैं। लोग इन जस्टिस का शिकार भी हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से लोगों को फेस करने पड़ते हैं। सो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उसको बहुत इफ़ेक्टिवली डील कर सकें। और उसके अलावा जुडिशरी जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेट है और वो पाकिस्तानी सोसाइटी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, और उसका इफ़ेक्टिव रोल बहुत ज़रूरी है फॉर इस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तानी सोसाइटी। सो उन चीज़ों को हाईलाइट करना, लोगों को उनके बारे में बताना और किस तरह से पब्लिक अपना रोल प्ले कर सकती है और किस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस इफ़ेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकते हैं और उनको रिस्पॉन्सिव बनाने में मीडिया ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और एक वॉच डॉग के तौर के पर बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट भी हुई, बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हाईलाइट हुई पाकिस्तानी सोसाइटी में और लोगों को उनके बारे में पता चलना शुरू हुआ। उसके अलावा इन चीज़ों को अगर वो इंस्टीट्यूशंस के कंसर्न इंस्टीट्यूशंस और कंसर्न अथॉरिटीज़ के नोटिसेज में नहीं थी तो उस वजह से वो उनके नोटिस में भी आई और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी की गई, और उसके वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हुए टूवर्ड्स जनरल पब्लिक और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना भी शुरू किया।
اٹ آلسو انیبلز دا انوائرمنٹ فار رول آف لا ان دا کنٹری. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے جو کہ میڈیا نے ایز اے مانیٹر ایز اے واچ ٹاک پلے کیا, اگر رول آف لا کی وائلیشن ہے اس کو ہائی لائٹ کیا, وہ کسی بھی فارم میں ہو, اس کے علاوہ کسی اور بھی میل پریکٹس کو ہائی لائٹ کیا, سو یہ سب چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ کنسرنڈ اتھارٹیز کے نوٹس میں بھی آئے, لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کرنی شروع کی, ڈبیٹس اور ڈسکشنز اس کے اوپر جنریٹ ہوئیں, لوگوں میں اویئرنیس اور ایجوکیشن لیول بہتر ہوا, اور ان کو اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز کا بھی پتہ چلا, کیونکہ ایک سٹیزن کے طور پہ اگر آپ کے رائٹس ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز بھی ہیں جن کو فلفل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے فار اسٹیبلشنگ اے اسٹیبل پیسفل اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی. جبکہ پاکستان میں لوگوں میں یہ سینس کم ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے نہ تو رائٹس کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ ہی اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں. سو میڈیا نے ان کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور اب ایک بہتر سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں, اور اس وجہ سے دے کین موبلائز دیم سیلفس فار انوالونگ دیم سیلف ان دا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آف سوسائٹی, اور جو کہ ڈیموکریسی کے لیے بہت پازیٹیو سائن ہے, اور اس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنس بھی بہتر طور پر کام کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں. دے آر بیکمنگ رسپانسو ٹورڈز دا جنرل پبلک, دے آر بیکمنگ رسپانسبل ٹورڈز دا جنرل پبلک, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سروس ڈلیوری کو بہتر کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, ان کو انٹرٹین کیا جا سکے, ان کے گریوینسز کو ہینڈل کیا جا سکے, اور گورننس کو بہتر بنایا جا سکے, جو پاکستان کا ایک بیسک کنسرن ہے اور بیسک ایشو ہے, اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ایک پیسفل اسٹیبل سوسائٹی کریٹ ہو سکے جو کہ ڈیموکریسی پہ بیس کرتی ہو اور لوگ ایک بہتر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو انجوائے کر سکیں.